नमस्कार किसान भाइयों, और आज हम आए हैं हरियाणा कृषि भूमि में और आज हम आपको फील्ड स्टार कंपनी के मैनुअल प्रेशर स्प्रेयर के बारे में बताएंगे, जिसका 8 लीटर का टैंक है। और आज हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये स्प्रेयर उपयोग किया जाता है। चलिए, इसके आज हम अनबॉक्सिंग करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं सब कुछ बताते हैं इस वीडियो के अंदर। पहले इसको खोल रहे हैं, देख सकते हैं इसमें से 8 लीटर का प्लास्टिक टैंक होता है और इसके नीचे सेफ्टी वॉल दे रखे हैं ताकि ये अगर ज़मीन पर रहे तो सेफ रहे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे यूज़ करते हैं। साथ में मैनुअल के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। साथ में वार्शल का पैकेट दे रखा है, ये फ्यूचर में काम आता है अगर आपके स्पेयर पार्ट मान लो इसे। साथ में ये आपको एक बेल्ट दे रखी है जो हम कमर पे डाल सकते हैं ताकि स्प्रे करते हुए काफ़ी काम इजी हो सकता है। तो हम अब इसको, इसमें होस दे रखी होती है, ये लगभग 2 फिट की होती है, इसमें हम फिट करते हैं होस को, हम इस ट्रिगर में डाल देते हैं। इसके साथ साथ में इसमें छोटे छोटे से स्क्रू दे रखे हैं, इसे हम टाइट कर देंगे। इसको टाइट अच्छे से करना है ताकि कोई भी ये प्रेशर ना निकल पाए। तो हम देख लिया, हमने इसे टाइट कर दिया है। ये साथ में एक एयर बल्ब होता है, जब हम अपना काम खत्म कर देते हैं तो इसमें हवा बची होती है तो हवा निकालने के काम आता है, तो ये सेफ्टी बल्ब भी कह सकते हैं। और अगर हम ये पंप कर रहे तो काफ़ी जगह यूज हो सकता है। ये ऊपर सबसे ऊपर इसका प्लंजर होता है, इसमें हम पानी डालते हैं। सबसे पहले इसे हमने ऊपर रिमूव कर दिया है, तो इसके अंदर 8 लीटर टैंक की कैपेसिटी होती है। तो हमने इसमें अंदाजे से अभी 2-3 लीटर पानी डाल रहे हैं। और ये स्प्रेयर आपके घर के पौधों में काम आ सकता है, अगर आपका बड़ा स्केल है जहाँ पर आप पानी छिड़कना चाहते हैं उसमें काम कर, दवाई भी छिड़क सकते हैं इसमें। पिछले साल ये कोरोना की वैक्सीन भी छिड़की गई थी, इससे काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था उसमें भी ये। तो हमने इसमें पानी डाल दिया, तो हम इसे टाइटली बंद कर देंगे। आप इसे ज़रूर देख लेना कि ये टाइट बंद करो, अगर हवा निकल रही है तो प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो हम इसे अगर चेक कर लेंगे, देखो ये अच्छे से टाइट हो चुका है, हमने इसे अच्छे से टाइट कर दिया है। तो हमने इसमें नोज़ल लगाई दी थी, तो इसको हम दोबारा चेक कर रहे हैं कि इसे हवा ना निकल रही है, इसलिए हम सबको जगह से टाइट कर रहे हैं नोज़ल को। तो हमें इसे देखते हैं चला के कैसे चलता है और कहाँ का यूज़ हो सकता है ये चीज़। इसमें छोटा सा ट्रिगर है, ये लॉक सिस्टम है, अगर आपको कंटिन्यूस काम करना है तो ये बटन दबा दो तो अपने आप स्प्रे होता रहेगा। तो हम सबसे पहले इसे हम पंप कर रहे हैं, इसे 7-8 टाइम्स पंप कर लो, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना करना, मतलब 15-16 टाइम्स ना क्रिएट करना, 7-8 टाइम्स बहुत है। अब हमें लग रहा है कि इसमें एयर प्रेशर बिल्ट हो चुका है, स्प्रे के लिए रेडी है। अब हम इसे बेल्ट से इसे टांग देते हैं, जिस तरह से टांग सकते हैं पकड़ भी सकते हैं, नीचे रख भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप कैसे रखना चाहते हैं। इसमें हमने दवाई डाल दी है और अब हम स्प्रे कर रहे हैं। इसके आगे मल्टी फंक्शन होता है, अगर आपको इसका जो स्प्रेयर है आपको वाइड करना है या आपको कंट्रोल करना है या आपको सिंगल में डालना है, तो ये तीनों में फंक्शन आता है। अगर आप देख रहे हो पैसे लिख के जाते हो तो टाइट कर सकते हो। और वार्शल के पैकेट हमने साथ में दे रखे हैं, आप देख सकते हो कितना शानदार इसका स्प्रेयर हो रहा है। आप इसे बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, फ्लैट सिस्टम होते हैं या कोई भी कलोनी होती है, अब दवाई छिड़कना चाहते हो, खाली पानी छिड़कना चाहते हो, गर्मियों में काफ़ी कामयाब होता है। अगर गाड़ी भी आप धोना चाहते हो इसे, वो भी हो सकती है। अगर कम पानी में आप गाड़ी जल्दी से धोना चाहते हो तो उसमें आप शैम्पू डाल दो स्प्रे के अंदर, तो वो भी काम हो सकता है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर व्हाट्सएप पे या कॉल आप कर सकते हो। धन्यवाद।